नमस्कार, मैं हूं विवेक प्रकाश और आप देख रहे हैं द फ्रंट। निर्भया के गुनहगार मुकेश की दया याचिका को राष्ट्रपति ने खारिज कर दिया है। जी हां, अब कोई भी दुनिया की ताकत निर्भया के इस गुनहगार की फांसी को रोक नहीं सकती, रोक नहीं लगा सकती। भारत में, भारतीय संविधान में सर्वोपरि होता है राष्ट्रपति, और सब जगह से जब किसी भी गुनहगार की याचिका जब खत्म हो जाती है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता, तो उसके पास आखिरी जो ऑप्शन होता है वो होता है राष्ट्रपति के पास दया की गुहार लगाना। और आपको बता दें कि निर्भया के इस गुनहगार मुकेश की दया याचिका को राष्ट्रपति ने खारिज कर दिया है। इससे पहले दिल्ली के उपराज्यपाल और केंद्रीय गृह मंत्रालय दोनों ने ये सिफारिश की थी और राष्ट्रपति से ये गुजारिश की थी कि निर्भया के गुनहगारों के साथ किसी भी तरह की दया नहीं बरती जाए, इनकी फांसी की सजा को बरकरार रखा जाए, और राष्ट्रपति ने वही किया है। निर्भया के इस गुनहगार मुकेश, जो एक गुनहगार है मुकेश, उसकी दया याचिका को पहले दिल्ली के उपराज्यपाल ने खारिज किया, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने खारिज किया, और दोनों ने अपनी रिकमेंडेशन राष्ट्रपति के पास भेजी थी। राष्ट्रपति ने इस दया याचिका को खारिज करते हुए फांसी की सजा बरकरार रखने की सिफारिश की है। आपको बता दें कि 22 जनवरी को सुबह 7 बजे इन गुनहगारों की फांसी का वक्त और समय मुकर्रर किया है पटियाला हाउस कोर्ट ने, और पटियाला हाउस कोर्ट ने डेथ वारंट इशू किया हुआ है, जहां निर्भया के चारों गुनहगारों अक्षय, मुकेश, पवन और विनय चारों को फांसी दी जानी तय हुई है। सारी तैयारियां तिहाड़ में पूरी हो चुकी हैं, सब कुछ तय हो चुका है, लेकिन मुकेश की तरफ से दया याचिका, क्योंकि गुनहगारों के पास ये फैसिलिटी है, ये उनके पास उपाय एक है कि वो अपने फांसी के खिलाफ जो है वो दया की गुहार कर सकते हैं, और मुकेश की तरफ से जो दया याचिका लगाई गई थी, इस वक्त की सबसे अहम खबर और सबसे बड़ी खबर देश के लिए कि निर्भया के इस गुनहगार मुकेश की दया याचिका को राष्ट्रपति जी ने भी खारिज कर दिया है। आपको बता दें, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कुछ महीने पहले भी ये साफ तौर से कहा था कि रेप के जघन्य अपराध, खास करके नाबालिगों के साथ जो होने वाले रेप के मामले हैं, उसमें फांसी की सजा पे माफी नहीं दी जानी चाहिए। रामनाथ कोविंद, जो कि राष्ट्रपति हैं, देश के महामहिम, उन्होंने यहाँ तक कहा था कि वो संसद से इस बात की गुजारिश करेंगे कि संसद इस बात पे पुनर्विचार करे और एक नया कानून बनाए जिसके तहत इस व्यवस्था को ही खत्म कर दिया जाए कि जघन्य अपराध करने वाले, नाबालिगों के साथ रेप करने वाले, और जिस तरीके का निर्भया कांड हुआ, इस तरीके के अपराध करने वाले जो गुनहगार हैं, वो दया याचिका लगा ही न सकें, वो दया की गुहार कर ही न सकें, क्योंकि राष्ट्रपति एक संवैधानिक पद होता है, राष्ट्रपति को उसको सुनना पड़ता है, और राष्ट्रपति को नहीं चाहते भी इन सारी चीज़ों पर विचार करना पड़ता है। लेकिन राष्ट्रपति ने बहुत सही समय पे एक कड़ा फैसला और सीधा सीधा देश के सामने एक बड़ी मिसाल पेश करते हुए एक ऐसा फैसला लिया है जो मिसाल बनेगा, जिसको सुन करके, जिसको जान करके गुनहगार थर्राएंगे, कांपेंगे, सोचेंगे कोई भी गुनाह करने से पहले, और किसी भी महिला के साथ बलात्कार करने से पहले 1,00,000 बार वो जरूर सोचेंगे कि उनकी दया याचिका राष्ट्रपति भी खारिज कर सकते हैं, उन्हें देश में कहीं से दया नहीं मिल सकती। 16 दिसंबर 2012 को निर्भया कांड हुआ था दिल्ली में, देश भर में उसके बाद लोगों ने निर्भया कांड को लेकर के एक नए कानून की मांग की थी, नया कानून बना था महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के, पूरा देश आंदोलित हो गया था, पूरा देश जो है वो मोमबत्तियां लेकर के सड़कों पर उतर आया था, और महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सरकार से न सिर्फ गुहार लगाई थी बल्कि दबाव बनाया था। ये लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र में सर्वोपरि होता है राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति ने आज जो फैसला लिया है वो एक मिसाल कायम करेगा। निर्भया के बाकी बचे 3 गुनहगारों की दया याचिका भी अब खारिज होनी तय हो गई है। निर्भया के गुनहगारों को फांसी से अब कोई नहीं बचा सकता। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा YouTube चैनल द फ्रंट और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर लीजिए।